हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नॉर्मली बॉक्स फिटिंग जो होती है तो उसका हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये आज हम ये बॉक्स फिटिंग यानी जो नॉर्मल स्क्वायर वाली फिटिंग है उसके लिए जो PBS कैसे बनाएंगे उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ये जो प्लान देख रहे हैं ये फुटिंग लेआउट प्लान है, और ये फुटिंग लेआउट प्लान कहाँ देखना होता है तो राइट साइड में जो नोट्स और जो नीचे टेबल होता है तो इस टेबल में दिया गया है। देखिए गया टाइटल में, टाइटल में दिया है कि कॉलम्स एंड शेयर वॉल फुटिंग लेआउट, ये हमें देखना है। और शीट क्या है, 1 of 11, यानी एक नंबर है। टोटल 11 शीट आया हुआ है ड्राइंग के एक साथ में, तो ये पूरा दिया है। और एक दोस्तों, अभी हम यहाँ पर हमें BBS के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए C14 फुटिंग का BBS निकालने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हमें C14 का जो फुटिंग का BBS है उसके लिए निकालने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है वो देखने का है। अभी देखिएगा, C14 के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका शेड्यूल ज़रूरी है। तो शेड्यूल के लिए हमें क्या करना होगा, शेड्यूल ड्राइंग लेनी होगी। सेम जैसे कि यहाँ टाइटल में हमें आके देख लेना है, टाइटल क्या है, टाइटल अभी यहाँ टाइटल है हमारा कॉलम्स एंड शेयर वॉल फुटिंग शेड्यूल, यानी जो इसमें कॉलम और शेयर वॉल और फुटिंग ये सभी का शेड्यूल इसी में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शेड्यूल मिला है, अभी C14 सर्च करना है। C14 किधर है, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर C14 शेड्यूल यहाँ पर आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये शेड्यूल जो है ये आपको शेड्यूल तो यहाँ मिला है, ऊपर में भी यहाँ दिया गया है शेड्यूल ऑफ RCC कॉलम एंड फुटिंग, ब्रैकेट में दिया है बेसमेंट 2 प्लस LG UG प्लस स्टील मेजनाइन प्लस 2 पार्किंग, इतना फ्लोर तक ये बिल्डिंग है ये दिया गया है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर शेड्यूल पता चला है क्या क्या शेड्यूल है हम पढ़ने चाहते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ C14 उसका जो कॉलम का नाम है वो दिया गया है, उसके बाद यहाँ जो दिया है वो कॉलम का दिया है 900 बाय 900 कॉन्क्रीट साइज, उसके बाद यहाँ दिया गया है उसका M70 यानी कॉन्क्रीट ग्रेड है, यहाँ दिया है 20 नंबर 25 HT। HT यानी क्या है ये अभी देखना है आपको, यानी ये क्या है तो हमें ड्राइंग में हमें पता चलने के लिए राइट साइड में देखना है। जो ड्राइंग का जो है राइट साइड में नोट्स होती है, तो नोट्स में हमें पढ़ लेना है कि HT का यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है क्या। तो ठीक है, यहाँ पर आके चेक कीजिएगा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया गया है HT यानी टॉर्च स्टील, हमें टॉर्च स्टील के लिए HT दिया गया है, यानी जो हमारा C14 जो है कॉलम हम वही फुटिंग में जाके HT यानी 20 नंबर 25 का स्टील है। टॉर टॉर यानी TMT स्टील में ही टॉर होता है, तो इसके लिए टॉर स्टील। अभी एज पर लिंक डिटेल्स यानी जो कॉलम है इसका जो शेड्यूल होगा तो उसके लिए वो डिटेल्स अलग है, उसके लिए ड्राइंग अलग है। अभी हमें निकालना है सिर्फ फुटिंग का विवेस, तो उसके लिए क्या करना है, अभी यहाँ नीचे आना है, यहाँ नीचे क्या दिया है 2100 बाय 2100 बाय 650 बॉक्स, यानी ये जो फुटिंग है ये 2 मीटर 100 2 मीटर 100 650 ये बॉक्स फुटिंग है, ये ऐसे उसकी कंक्रीट भराई साइज दी गई है। उसके बाद याद दिया है देखो 16 HT यानी डाया 16 का डाया, एट द रेट दिया है बीच में 100 सेंटर टू सेंटर ईच वे, यानी दोनों तरफ से 100 सेंटर टू सेंटर है वो उसने कहा है। तो अभी आगे क्या करना है हमें, या अभी हमें यह जो BBS के लिए हमें यहाँ पर एक सेक्शन ड्राइंग देखना बहुत इम्पोर्टेंट, फुटिंग का जो सेक्शन ड्राइंग है वो इम्पोर्टेंट। तो यह हमारा सेक्शन ड्राइंग है, तो सेक्शन ड्राइंग में भी सेम वही पोजीशन, पहले टाइटल चेक कर लेना है क्या टाइटल है, टाइटल बॉक्स एंड स्टेप सेक्शन डिटेल्स, यानी यहाँ पर दो टाइप का फुटिंग है हमारे पास में, एक बॉक्स फुटिंग है नॉर्मल जैसा और दूसरा है स्टेप्ड फुटिंग, तो इसके लिए ये दोनों में एक साथ में दिया गया है। अभी क्या है बॉक्स फुटिंग यानी टिपिकल एक यहाँ दिया गया होगा, यहाँ देखिएगा ये
यह दिया है डिटेल्स ऑफ कॉलम फुटिंग, यह C7 जो होगा C7, और यह दिया है टिपिकल TYP ब्रैकेट में दिया है, यानी टिपिकल यानी सभी जो बॉक्स फुटिंग है उस सभी के लिए और डिटेल्स सेम टू सेम फॉलो करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी अभी देखिए ये जो सेंटर दिया है, देखिए यहाँ 10 का 130 सेंटर ईच पे, यानी ये सिर्फ ओनली C7 के लिए दिया है। हमें क्या किया है, सिर्फ एक टिपिकल देखा है कि कैसा होगा। तो अभी हमें इसमें देखने देख लिया सेक्शन, सेक्शन क्यों देखना है अभी उसकी प्रोसेस चालू करते हैं। हाँ, सेक्शन क्यों चालू करना है, इसके लिए अभी यहाँ देखो ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो फुटिंग का जो स्टील है, अभी आप शेड्यूल में पढ़ लिया था, क्या देखा था आपने, यहाँ एक कंक्रीट साइज देखा था 2100 बाय 2100 बाय 650 और बॉक्स नीचे में जो दिया था वो 1600 सेंटर टू सेंटर ईच वे, यानी दोनों तरफ से 100 सेंटर से स्टील डालने वाले, यानी दोनों तरफ से स्टील कैसे लगाने वाले हो आप, जैसे कि एक जैसे ये इस तरफ से स्टील 100 का 100 सेंटर टू सेंटर और दूसरा साइड से 100 सेंटर टू सेंटर ऐसा लगाने वाले हो, बराबर इसके ऐसा होने वाला है बराबर। लेकिन अभी यहाँ पर आपको सेक्शन भी देखना जरूरी है ना, ये तो टॉप व्यू आप तुरंत इसका निकाल सकते हैं, लेकिन सेक्शन कैसा है, ये यहाँ पर जो सेक्शन है हमारे पास इसको एल है क्या नहीं ये हमें देखना है। अभी देखिए ये सेक्शन जो है यहाँ पर ये हमारा बार है और एल दिखाया गया है, अभी यही सरिया नीचे की तरफ दिखाया गया आप देखना बहुत जरूरी है। अभी आपको तो यहाँ एल दिखाया है फुटिंग में, तो एल कितना है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अभी देखिएगा एक नीचे में देखो यहाँ पर एक सरिया दिख रहा है ऐसा होके, और इसमें यहाँ देखो एक साइड में 150 mm लिखा हुआ है, 150 ओनली फॉर दिख रहा है कितना 150, यानी हमें ये जो दोनों तरफ का एल है वो जैसे पूरा टिपिकल बॉक्स फुटिंग है उस सभी में 150 mm हमें लेना है। तो हमें क्या करना है, इसका पहला सबसे पहला एक शेप बनाना है। तो शेप क्या बनाना है, तो हम एक सबसे पहले मेन स्टील जो होता है मेन स्टील उसका शेप पहला बनाएंगे। मेन स्टील क्या होता है वो भी आपको पहले बताता हूँ। मेन स्टील यानी जो सबसे पहले होगा, जैसे कि अभी यहाँ हम इसका कंक्रीट साइज लगा देते हैं पहले, तो अभी देखिएगा यहाँ जो हमारे पास में स्क्वायर ये जो फुटिंग है ये हमारी स्क्वायर है, तो स्क्वायर फुटिंग है तो हमें इसमें कोई भी आप स्टील नीचे लगा सकते हो, जो शॉर्ट स्पैन होता है शॉर्ट स्पैन का जो मेन स्टील हो, कभी भी शॉर्ट स्पैन का जो स्टील होता है वो नीचे होना चाहिए और वो मेन स्टील होता है, और जो लॉन्गर स्पैन का स्टील होता है वो कभी भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करके होता है। तो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में ओनली फॉर दोनों से दोनों भी मेन स्टील है, क्योंकि हमारा दोनों साइज सेम टू सेम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें आपको पता चल गया कि हमारे पास में दोनों स्टील मेन है, ठीक है। अभी हमें शेप भी पता चला कि इसका कौन सा लेना है, क्योंकि हम सेक्शन टिपिकल जो सेक्शन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एल 150 ले लेते हैं, यहाँ पर 150 L, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें टिपिकल एल आपको पता चला है, जो मान लीजिएगा आपके ड्राइंग में नहीं हो एल तो आप सीधा कंसल्टेंट से या क्लाइंट से हमें डिस्कस करके उसका इंस्ट्रक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आगे नहीं करना है। आगे यहाँ पर है साइज है, अभी जो साइज है ये साइज मतलब अभी किसका साइज कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता चला कि 2100 है, आप तो डायरेक्टली यहाँ 2100 नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कवर ब्लॉक देखना जरूरी है। तो ड्राइंग के जो भी ड्राइंग आपके पास में शेड्यूल की ड्राइंग हो या सेक्शन की हो या फुटिंग की हो, तो उस सेक्शन ड्राइंग के राइट साइड वाला जो होता है उसमें नोट्स होती है, ये पूरी नोट्स उसमें दी जाती है, ये पूरी नोट्स आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही बीबीएस को हाथ लगाना है, ठीक है ना। अभी देखिएगा यहाँ पर हम क्या देखने वाले थे, कवर ब्लॉक। तो कवर ब्लॉक क्या है हमारा, ये देखिएगा ये 5 नंबर वाला पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कवर जो हमारा नॉमिनल कवर जो होता है वो कितना है। तो ये फुटिंग वाला जो है हमारे पास में फुटिंग का 50 mm, हमें सिर्फ फॉर ओनली फॉर फुटिंग देखना है, इसके लिए हमें कवर कितना है 50 mm। तो हमारा कवर ब्लॉक एक साइड से आप लिख लीजिएगा यहाँ कवर ब्लॉक,
50 mm फुटिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फुटिंग के लिए कवर ब्लॉक कितना है, 50 mm है। तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ से 2100 है, यानी इस तरफ से 50 और इस तरफ से 50, यानी ये जो हमारा इसके अंदर में जो बैठेगा, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसा फुटिंग होगा भराई, तो हमारे दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे, इस तरफ से 50, इस तरफ से 50, तो हमारा कितना बचेगा, 2100 माइनस यहाँ का 50, दोनों साइड का 50 50 कवर, यानी 100 माइनस होगा, तो हमारा बचेगा 2 मीटर। बराबर, अभी देखिएगा ये हमारा शेप बन गया। अभी शेप बनने के बाद इसका कटिंग लेंथ कैसा लिखना है, जो हमारे पेटर भाई होते हैं उनको देने के लिए ऐसा शेप बनाना होता है पहला, उसके बाद यहाँ डाया लिखना होता है, जो डाया हमारे पास शेड्यूल में कितना डाया था, 16 mm, तो हमें 16 mm यहाँ लेना है। और 16 mm के लिए हम डायरेक्ट mm नहीं लिखते हैं, उसके लिए टॉर्क का चिन्ह डालते हैं। टॉर्क के चिन्ह दो तीन टाइप से लिख सकते हैं आप, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ, जैसे कि ऐसे ऐसा एक लिखते हैं, उसके बाद ऐसा लिखते हैं, और उसके बाद में ऐसा भी लिखते हैं, यानी ये और ये एक ही है, लेकिन आप लिखने का तरीका ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा ऐसा वाला यूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ये स्टील का सिंबल है, वो सभी को मालूम है कि स्टील का सिंबल यही होता है, क्योंकि पीटर जो होते हैं वो बहुत सारे एक्सपीरियंस के होते हैं। तो अभी देखिएगा ये हमारा स्टील लिया, उसके बाद यहाँ पर ये कटिंग लेंथ लेना है। कटिंग लेंथ क्या लेना है देखिएगा, सबसे पहला दोनों तरफ वाला एल कितना है, 150 प्लस 150, उसके बाद हमारा जो साइज है वो साइज लेना है 2 मीटर, यानी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 150 150 300 प्लस 2 मीटर, यानी 2300 mm, ये हमारा हो गया। ये सिर्फ जोड़ाई हो गया, इसमें हमें डिडक्शन करना होगा, बेंड डिडक्शन, ये जो जहाँ के यहाँ पर जो बेंड हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो बेंड होता है, तो हमारा यहाँ 1D माइनस करना होगा, 1D यहाँ 1D माइनस करना होगा, 90 डिग्री है इसके कारण। तो 1D कितना माइनस हो जाएगा, इधर यहाँ से 16 mm और यहाँ से 16 mm, यानी यहाँ से हमें 2300 में से 32 माइनस करना होगा, तो हमारा कटिंग लेंथ जो है वो ये यहाँ पर लिख लेता है 16 प्लस 16, यानी 1D 1D ये माइनस कर दिया हमने, तो हमारा जो कटिंग लेंथ है वो 2268 mm आ जाता है। तो ये हमें यहाँ पर लिखना होगा 2200, यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए मैं रिटर्न लिखता हूँ, यहाँ पर ऊपर में 16 डाया स्टील 100 सेंटर टू सेंटर, उसका कटिंग लेंथ 2268 mm। ठीक है, यहाँ पर डैश करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पर ये लिख दिया हमने, उसके बाद हमें क्या करना है आगे, उसके नंबर्स लिखने होंगे। तो नंबर्स के लिए क्या है, हमारे पास में जो शेप है ये, अभी जो आपने यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप यहाँ पर ऐसे स्टील लगाने वाले हो, जैसे कि एक स्टील यहाँ पर मैं ऐसा करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर अभी देखिएगा इसका क्लियर स्पैन जो है दोनों तरफ से सेम टू सेम है, 2000 mm, यानी 2000 mm यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये 2000 यहाँ से भी 2000 है, यानी दोनों तरफ से सेम टू सेम है, तो आप कोई भी एक बार निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ पर सेंटर डिवाइड कैसा होगा, यहाँ 2000 डिवाइड बाय सेंटर, सो सेंटर टू सेंटर, तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर हम कैल्सी एक बार यूज करते हैं आपके सामने,